चोरी गांजा पी के करते हो कि ऐसे ही करते हो? नहीं ऐसे ही करते, ऐसे ही करते हो। कितना गांजा पी लेते हो दिन भर में? दिन भर में मिलेगा 10,000। 10,000 क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोगों को बांट दिया? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी। हाँ हाजी लोगों से पड़े रहते हैं। हाँ कम्बल कम्बल जो भी कम्बल उम्बल सब बांटे। ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या अल्लाह का कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? चोर और दिलदारी दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, क्योंकि अगर चोर दिलदार हो जाएगा तो वह चोरी कैसे करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा एक ऐसे चोरों के समूह को पकड़ा है जो दिल से पूरे दिलदार हैं। वह चोरी तो करते हैं मगर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। पहले आप चोरों का ये वीडियो देखिए। चोरी का माल मिलेगा 10,000। 10,000 क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोगों को बांट दिया? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है। हाँ हाजी लोगों से पड़े रहते हैं। हाँ हाँ कम्बल कम्बल जो भी कम्बल उम्बल सब बांटे। ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या अल्लाह का कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? अभिषेक दुआ है तभी। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जब चोरों के समूह से बात की तो चोरों के कबूलनामे को सुनकर आसपास खड़े पुलिसकर्मियों सहित खुद अधीक्षक साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। मिलेगा 10,000 क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोगों को बांट दिया? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी। हाँ हाजी लोगों से पड़े रहते हैं। हाँ कम्बल कम्बल जो भी कम्बल उम्बल सब बांटे। ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या अल्लाह का कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? ये सभी चोर अपने मासूम से चेहरे से अपनी चोरी की हकीकत बयां कर रहे हैं और दुर्ग पुलिस तो छोड़िए, आप भी इनका कबूलनामा सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इन चोरों की इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके इन चोरों की मासूमियत दूसरों तक पहुँचाइए। मिलेगा 10,000 क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोगों को बांट दिया? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी। हाँ हाजी लोगों से पड़े रहते हैं। हाँ कम्बल कम्बल जो भी कम्बल उम्बल सब बांटे। ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या अल्लाह का कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? तभी हो है तो अल्लाह में बहुत ताकत है। तुम्हारा नाम क्या है? टुकेश्वर ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? तो नशा करते हो देख के लग रहे हो मुझे। नहीं और भी नशा करते हो? और कौन सा नशा करते हो? गांजा? गांजा करते हो? चरस? चरस नहीं करते। स्मैक पन्नी वाला? नहीं। देखे हो स्मैक? नहीं। देखे तो हो गए? नहीं देखो। गांजा देखे हो? गांजा कैसे लेते हो? कैसे पीते हो गांजा? इसमें भरने वाले नहीं आ रहे। भरने वाले हैं, भर के पीते हो। कितना गांजा पी लेते हो दिन भर में? दिन भर में थोड़ा बहुत ही। थोड़ा बहुत कितने गांजा पी लेते हो? 50 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम? उतना भी नहीं पाते सर। कितना? मतलब 1-8 पी लेते हो। 8 पी लेते हो? कितना रुपया गांजा पीते हो डेली? 50 रुपये। 50 रुपया गांजा पीते हो? 50 का गांजा पीते हो? सिगरेट कितने का पीते हो? नहीं सिगरेट नहीं। बीड़ी? बीड़ी कितने का पीते हो? बीड़ी 5-6 रुपये। 6 रुपये का बीड़ी पीते हो? 50 रुपये का गांजा पीते हो? शराब कितने का पीते हो? दारू नहीं। दारू नहीं पीते हो? केवल बीड़ी और गांजा? गांजा और बीड़ी के नशा में क्या अंतर है? नहीं तो गांजा क्यों पीते हो? गांजा में कुछ अलग नशा होता होगा? नहीं वो शांत रखाता है। शांत रखाता है? और बीड़ी पी और क्या लगता है? बस ठीक। दिन में पीते हो रात में पीते हो? दिन में ही पी लेते हो। कितने बजे? 6-7 बजे। 6 बजे सुबह उठते ही नींद खुलते ही गांजा पीते हो? चलो शाम को ही पी जाते। शाम को ही कभी पी लेते हो? चोरी गांजा पी के करते हो कि ऐसे ही करते हो? नहीं ऐसे ही करते। ऐसे ही करते हो? कितने वर्षों से चोरी के काम में हो? नहीं सर ये पहली बार था। पहली बार कैसे हो? 4 चोरी तो अभी कर ली है, पहली बार बोल रहे हो? हाँ तो यही सर अभी। क्यों चोरी करने की याद कैसे आई तुम्हें? चोरी करना चाहिए, गांजा पीने का शांति होती है बता रहे हो तुम। फिर चोरी करने का मन कैसे हुआ? सर बस अरे कैसे हुआ कुछ बता। किसने बताया? प्लानिंग किसने किया है चोरियों का? अरे छोटा बच्चा। अरे हाँ बताए। गांजा कहाँ से मिलता है? गांजा 18 नंबर सर। 18 नंबर कहाँ? 18 नंबर क्या
कुंडैया बोलते हैं सर। कुंडैया आज कुंडैया पे हो गई है गाड़ी, उसको पकड़ लिए कुंडैया। कुंडैया कब से बेच रहा है? नहीं पता सर, मैं बहुत दिन से मतलब ना। तुम कब से खरीद रहे हो उसे? एक साल हो गया सर। एक साल तुम खरीद रहे हो? एक साल से खरीद रहे हो। कितने लोग आते हैं खरीदने उसके यहाँ? बहुत जन आते हैं। कितने? 50, 100, 200, 500? जब भी जाओगे भीड़ रहता है। जब भी जाओगे भीड़ रहता है, सुबह से लेके शाम तक। हाँ, कितने बजे बेचना शुरू करता है वो कुंडैया? छह बजे से चालू होता है। और रात में कब तक चलता है? रात को चलता है वो, मतलब 8 बजे तक 9 बजे तक। 9 बजे तक चलता है। और 9 बजे के बाद किसी को गांजा लेना हुआ तो क्या करते हैं? नहीं देते होंगे सर। नहीं देते? नहीं देते। और मिलता होगा फिर तो 9 बजे के बाद? और तुमको 9 बजे के बाद गांजा पीना है, क्या करोगे तुम? नहीं सर, फिर नहीं पीते हैं, या फिर लेके रखे रहते हैं। लेके रखे रहते हैं। कुछ गोली वोली भी खाते हो क्या? नहीं सर, गोली वोली नहीं खाते। तुम्हारे दोस्त खाते हैं क्या गोली? नहीं सर, कोई गोली नहीं खाते। गोली नहीं खाते हो, तुम गांजा पीते हो बस। और इसके पहले और कहाँ कहाँ चोरी की हो? इससे पहले और कहीं नहीं। रहने वाले कहाँ के हो? यही सुपेला सर। सुपेला के रहने वाले। काम क्या करते हो? ललित कबाड़ी में काम करते हो तुम तो यार। तुम तो मिक्स हो हर चीज के, कबाड़ी प्लस गांजा प्लस चोरी। हाँ हाँ, ललित कबाड़ी के कैसे काम करते हो? एक साल हो गया था। एक साल हो गया। ललित कबाड़ी कैसा काम करता है? नहीं मतलब महाजन उठाते, टीना चोरी का उठाते हैं। कहाँ से? कबाड़ी सर। चोरी का माल लेते हैं क्या वो ललित कबाड़ी वाले? नहीं पता सर। अच्छा, काम ही करते हो? कबाड़ी से लाते हैं ना सर हम लोग। छोटे कबाड़ी से लाते हो तुम लोग? हाँ सर। छोटे कबाड़ी कहाँ से लाते हैं? अजमत हो गया, बहुत जगह हो गया सर। क्या चीज? अजमत कबाड़ी हो गया, सितारे कबाड़ी हो गया, दिलीप कबाड़ी हो गया, ललित कबाड़ी हो गया, छोटा वाला। छोटा वाला सब इधर उधर से। कितने कबाड़ी को जानते हो तुम? मैं 5-6 कबाड़ी जानता हूँ। 5-6 कबाड़ी को जानते हो। कौन कबाड़ी अच्छा है, कौन गड़बड़ है? एक क्या बोलते हैं, अजमत ठीक है भैया, सितारे के पास आता है माल। माल किस तरह का माल आता है? चोरी वोरी वाला। चोरी वोरी क्या क्या चोरी का माल लाते हैं वो लोग? वही बस आता है सर, लोहा आता है। लोहा कहाँ से लाते हैं चोरी करके? बता तुम लोग कहाँ से लाते हैं? बात तो करते हो, तुम काम करते हो ललित कबाड़ी में? नहीं, हम लाते हैं, अब उठाते हैं, गाड़ी में डालते सर, डालते हो। क्या रुपए लेते हैं चोरी का लोहा? नहीं पता तुम लोग कितने में बेचते, क्या करते हैं। तुमको महीने का कितना देता है कबाड़ी? महीने का नहीं, हफ्ते का देते। कितना देते हैं? हफ्ते का 2500 सर। 2500? अच्छा, 10,000 अच्छा मिलता है। 10,000 में तुम्हारा 3-4 हज़ार तो गांजा में निकल जाता होगा। कमी जाता है सर, कमी जाता है, 1.5-2 हज़ार में हो जाता है। शादी वादी किए हो? नहीं सर। क्यों? उम्र नहीं हुआ। कितना उम्र है? 19 सर। तो गांजा पीने का उम्र हो गया तुम्हारा और शादी का उम्र नहीं हुआ। तो ये सब चोरी में थे तुम? हाँ सर। टोटल कितने लाख का चोरी किए तुम लोग? नहीं पता सर। अरे तो चोरी के तो बेचे कहाँ चोरी को? इसके पास चलो ही आएगा इसकी बारी, तुम तो पीछे हो जाओ। इधर उधर जुआ खेलते हो? फट्टा खेल लगाते हो? जुआ खेलते हो? कहाँ खेलते हो? कहीं भी खेल लेते सर, जहाँ खिलाते रहते। कहाँ कहाँ खिला रहे हैं अभी आजकल? अभी तो नहीं पता सर, मैं तो यही हूँ, एक हफ्ता हो गया। अरे एक हफ्ता तो यहाँ, एक हफ्ते के पहले कहाँ खेलते थे? एक हफ्ते के पहले कहाँ खेलते थे? पहले सर वहाँ पे क्या बोलते हैं, कचरा भट्टी नहीं है, पीछे जंगल है। जंगल है वहीं। कितने लोग खेलने आते हैं वहाँ? बहुत आते हैं। कितने? 30-40-50-100? मतलब 25-30 लोग तो रहते हैं। डेली आते हैं? डेली। कितने बजे कितने बजे तक खेलते हैं? मतलब ना 1 बजे चालू होता है सर, शाम तक चलता है 5-6 बजे। कोई डर नहीं है उन लोगों को, पुलिस आ जाएगी? नहीं मतलब जो खेलने वालों को डर नहीं लगता क्या? तुम खेलते हो डर नहीं लगता पुलिस आ जाएगी पकड़ लेगी? भागते सर। भागते हो? कैसे भागते हो? साइकिल से पैदल भागते हो? बाइक रखते हो? नहीं पैदल पैदल भाग जाते हो? जंगल में खिलाते हैं ना दो, उन लोगों को रास्ता रास्ता ही पता है। रास्ता वास्ता सब पता है, उधर संतरी वंतरी लगा के रखते हो, बोलते हैं चलो इधर से चलो इधर से चलो, जैसे पता तो चलता है तुम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। कभी पुलिस से पकड़ा है क्या जुआ खेलने वाले? नहीं नहीं पता सर। उसका कौन चलाता है, मालिक कौन है जुआ का? अरे तुम खेलते हो यार, तो मालूम ही नहीं कौन। कभी कभी जाता हूँ सर। तुम जाते हो, कितना लगाते हो तुम पैसा? खेल लेता हूँ सर 5-10 हज़ार। 5-10 हज़ार 15 हज़ार? अरे भाई मैं बहुत कम जाता हूँ। तो 15 हज़ार लगाए तो तनखा तुम्हारी 2,500 ही है एक बार मिलती है हफ्ता का, तो 15 हज़ार कहाँ से आता है? नहीं ये किए थे तब बता रहा हूँ, ये किए थे तब। ओ हो, तुम्हें कितना पैसा मिला ये करने पे? ये मिला था हम लोग को 65,000 दिए थे। 65,000 तुमको दिए थे? चलो अच्छा दिए। 65,000 किए क्या तुम? हमने सब बांट लिए सर। तुमको कितना मिला उसमें? वही 15-16 हज़ार। 15-16 जुआ खेल लिए तुम एक ही दिन में, मतलब काम ही तमाम हो गया। चलो।